अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि नासा ने अपने दूसरे प्रयास को भी स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रॉकेट के पीछे से फ्यूल लीकेज होने के कारण इसको स्थगित किया गया है। फिलहाल इस परीक्षण से नासा पिछले अपोलो मिशन के 50 साल बाद एक बार फिर चंद्रमा से मंगल आर्टेमिस कार्यक्रम को शुरू कर बताया जा रहा है। वही इस रॉकेट की बात करें तो इसमें RS-25 इंजन का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक आखिरी समय पर इसके तापमान में दिक्कत आने के चलते यह लॉन्च टाला गया था। आर्टेमिस मिशन 1 को अब कुछ दिन बाद लॉन्च किया जाएगा। यह बिना मानव यात्री वाली फ्लाइट का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होगा।